इस रेसिपी को बनाने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर बनाएं, आपको भी ज़रूर से खुशी मिलेगी। जिसके लिए हमने ये मसूर की दाल ली है, 1 कप दाल ली हमने। इसे हम पानी में डाल के भिगो के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद इसे पानी में डाल के रख देंगे। अब इसमें डालने के लिए हमने ये तुरई ली है। यही हमारी खुशी का राज है। हमारे बच्चे बिल्कुल भी तुरइयां नहीं खाते। इस तरह हमने दाल में डाल के इसे बना के दी तो बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पता चला, और बच्चे फिर से कहते हैं कि दोबारा बना के खिलाओ, हमें बहुत ही टेस्टी लगी। तुरई को हमने छीलकर ऐसे बारीक पीसेस में काट लेंगे, जिससे बच्चों को ये नहीं पता चले कि हमने इसमें क्या डाला है। आप चाहे तो इसमें मोटे पीस भी डाल सकते हो, लेकिन उसे देखने में बच्चों को पता चल जाएगा तो बच्चे नहीं खाएंगे। खाने के बाद उनको बुलाओ, बताओ कि हमने इसमें क्या डाला था। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के रख देंगे, नहीं तो ये काली पड़ जाती है। हमारी दाल भी अच्छे से फूल गई है, 15 मिनट हो गए हैं दाल को भिगोए हुए। अब हम अपने कुकर में ऐड कर देंगे इसका सारा पानी निकाल के, पूरी दाल को। आप चाहे तो इसे पैन में भी बना सकते हो, क्योंकि ये दाल बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन हम कुकर में एक विसल लगवाएंगे जिससे ये और भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। ये तुरई को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। जैसे हमारी 1 कटोरी दाल थी, तो हम इसमें 5 कटोरी पानी डालेंगे, क्योंकि ये बनने के बाद फिर से ठीक हो जाती है। अब इसमें हमने 1/2 टीस्पून नमक डाला और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हमने ऑयल डाल दिया, जिसे डालने से हमारे कुकर में जब विसल बजती है तो पानी बाहर नहीं आता। 1 विसल के बाद हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था, और इसे अपने आप भाप निकलने के बाद हमने कुकर का ढक्कन खोल लिया। अब एक पैन में हम इसे तड़का लगाएंगे। 1 चम्मच भर के हमने घी डाल दिया, 1/2 टीस्पून जीरा डाला और 1 तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची डाली। अच्छे से रोस्ट करेंगे। एक मिनट तक इसे चलाएंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने 1 पिंच हींग डाल दी। हींग डालने से इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता है। एक हमने हरी मिर्च को बारीक काट के डाल दिया, और ये 2 प्याज को बारीक काट के ऐड कर दिया। आप इसमें अदरक लहसुन भी डाल सकते हो, या बिना प्याज के भी बना सकते हो। अच्छे से ब्राउन होने तक इसे भुनेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर दी हमने। इसे 1 मिनट तक और भुनेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम टमाटर को ऐड करेंगे। आप इसमें टमाटर ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने एक बड़े साइज का टमाटर डाला है। टेस्ट अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर हमने पहले भी डाला हुआ है और नमक भी पहले डाला हुआ है हमने, इसलिए हमने थोड़ा सा कम ही डाला। 1 से 2 चम्मच इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाले जले ना, और इसे टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे रखेंगे। 4 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। हमारा टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट तक। एक से दो चम्मच हम फिर से पानी डालेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। इसे ढककर
2 मिनट तक फिर से रखेंगे। बहुत ही अच्छा मसाला बनकर तैयार हुआ। जितना अच्छा मसाला बनेगा उतना ही अच्छी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो मसाला अच्छे से भुने। अब इसमें हमने जो दाल रखी है उसे ऐड कर देंगे। हमने इसमें तुरई के बहुत ही छोटे पीस डाले थे, तो इसमें दिखते तो हैं लेकिन ऐसे नहीं पता चलता कि इसमें हमने तुरई डाली है। पूरी दाल को हम डाल के इस तरह मिक्स कर देंगे और इसे बॉयल आने तक पकाएंगे। ढककर इसे 5 मिनट तक रखेंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। बॉयल आने के बाद हमने इसमें 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर डाला, जिसे डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया बारीक काट के। अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी दाल खाने के लिए तैयार है। अभी ये थोड़ी सी पतली लग रही है लेकिन बाद में ठंडी होने के बाद ये बहुत ही थिक हो जाती है, तो आप अपनी ज़रूरत अनुसार पतली या कड़ी रख सकते हो। तो आप भी इस तरह से अपने बच्चों को बना के खिलाएं। थैंक यू।